सुनते हैं ज्योति मौर्या की कहानी। ज्योति मौर्या यूपी की ऐसी एसडीएम है जिसकी बेवफाई के चर्चे टीवी के हर चैनलों पर छाए हुए हैं। ज्योति मौर्या को पढ़ाया लेकिन उम्मीद से अलग निकली। इसके किस्से सुनकर आज हजारों पति अपनी पत्नी को पढ़ाकर अधिकारी बनाने की मनसा छोड़ सकते हैं। मैं उन सभी लोगों से निवेदन करती हूँ, ज्योति मौर्या की बेवफाई से नहीं घबराएं। हमारे देश की हर नारी ऐसी नहीं है। ज्योति मौर्य लंदन और अमेरिका में नहीं जन्मी। ज्योति मौर्य उस देश उस धरती की नारी है जहाँ सती अनुसुईया और सावित्री जैसी नारियाँ जन्मी हैं, जिन्होंने विधि के विधान को भी हिला दिया था। पति अगर ज्योति को पढ़ाकर एक अधिकारी बनाया तो इसलिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए पति आलोक मौर्य का जीवन नरक बना दे। सवाल ये भी खास है कि आखिर ज्योति मौर्य ने ऐसा क्यों किया जिससे हमारा सनातन कलंकित हुआ। आइए आगे सुनते हैं कितने कलेजे दुखी हैं। पति आलोक मौर्य के घर की खुशियों की उजाला थी। 2010 में ब्याह हुआ, ससुराल आई, पढ़ने में अच्छी थी। पति और ससुर ने ज्योति का रुझान देखकर उसको आगे पढ़वाया। 2015 में ज्योति का PCS में चुनाव हो गया और इसने पति और ससुर को इस सफलता के लिए जिम्मेदार माना। ज्योति का जन्म उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में हुआ। सन था 1987। इसने वहाँ ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की थी। 10 से लेकर 2015 तक ससुराल में सुख शांति की रोशनी बिखेरती रही। 2015 में जैसे ही इसकी नौकरी लगी, इसमें ऐसा बदलाव आया कि पति का जीवन जहन्नुम बना दिया। सुनते हैं कैसे बनाया। लंबी उम्र की कामना करती हैं और पति के लिए तीजा तथा करवा चौथ का भूखे पैसे रहकर उपवास की साधना करती हैं। मैं भी एक नारी हूँ, मुझे भी बहुत दुख मिले हैं, बहुत तकलीफें उठाई हूँ। दुख इनके बारे में जानकर कि जिस पति और ससुर ने इस लड़की को एसडीएम बनवा दिया, पढ़वा कर उसी नारी ने इन्हें इतने
केवल अपने स्वार्थ के लिए। आगे क्या हुआ सुनिएगा और सोचिएगा भी। बहुत ही साधारण इंसान, साधारण रहन सहन था। 2009 में आलोक मौर्य सफाई कर्मचारी के पद पर नौकरी किया। इसी नौकरी के कारण ज्योति के मायके वालों ने आलोक के साथ विवाह कर दिया, जबकि ज्योति मौर्य ग्रेजुएशन कर रही थी और 2010 में शादी हो गई। पढ़ी लिखी थी, ससुराल वालों की मदद से आगे पढ़ गई और एसडीएम भी बन गई। एसडीएम ज्योति मौर्य ने फिर कौन सा कदम रखा, सुनते हैं आगे। ज्योति मौर्य एसडीएम, इस तरह से दोनों का मिलना जुलना, उठना बैठना और साथ में लंच डिनर तो ठीक है, किंतु किसी के प्यार में इतना डूबना अच्छा नहीं है। जैसा ज्योति मौर्य ने किया वो बड़ा ही घिनौना कार है। जब 2015 में ज्योति की नौकरी लगी, उसी साल इसने दो जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। ज्योति मौर्य यूपी की ऐसी एसडीएम है जिसकी बेवफाई के चर्चे टीवी के हर चैनलों पर छाए हुए हैं। ज्योति मौर्य को पढ़ाया पढ़ाया लेकिन उम्मीद से अलग निकली। इसके किस्से सुनकर आज हजारों पति अपनी पत्नी को पढ़ाकर अधिकारी बनाने की मनसा छोड़ सकते हैं। मैं उन सभी लोगों से निवेदन करती हूँ, ज्योति मौर्य की बेवफाई से नहीं घबराएं। हमारे देश की हर नारी ऐसी नहीं है। आलोक मौर्य के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। 25 जून 2023 को यूपी के सीएम श्री आदित्य योगी जी के दरबार में आलोक मौर्य गए थे, हर याद लगाए हैं। अब देखते हैं क्या होता है, सुनिएगा।